पाकिस्तान को हरा दिया है। टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत ने पहले ही मैच में अपने हराया। पाकिस्तान को 4 विकेट से माती है। 160 रन का टारगेट चेस करना था भारत को और आखिरी गेंद तक ये मैच चला और आखिरी गेंद पर ये फैसला हुआ जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया है, पाकिस्तान को 4 विकेट से मात दी है। तो मेलबर्न से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। आखिरी गेंद तक ये मुकाबला चला। पहले टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया और उसके बाद पाकिस्तान की टीम बैटिंग करती हुई 160 रनों का टारगेट पाकिस्तान ने दिया, जिसको चेस करते हुए आखिरकार आखिरी बॉल पर भी भारत ने यह फैसला अपने पक्ष में किया, पाकिस्तान को हराया है। आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, कोहली ने 9 बॉल पर 6 चढ़ा और अश्विन ने चौका मारकर यह मैच जिताया है। तो टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का महामुकाबला बेहद रोमांचक रहा। 160 रन का पीछा कर इंडिया को, आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, विराट ने 9 बॉल पर 6 लगाया और इसके बाद फ्री हिट पर बोल्ड हो गए, लेकिन इस पर भी 3 रन ले लिए और इसके बाद दिनेश कार्तिक आउट हुए, लेकिन नवाज ने वाइड फेंकी और फिर अश्विन ने चौका जड़कर भारत के पक्ष में यह जीत दिला दिया। मैच का अपडेट आपको दे रहे हैं, जिस पल का इंतजार था, दिवाली धमाका, एक तरह से दिवाली गिफ्ट मेलबर्न पे देखने को मिला जहां भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का यह महामुकाबला बेहद रोमांचक रहा। आज पाकिस्तान को एक बड़ी मात हिंदुस्तान ने दी है और देखिए इस वक्त हम कनॉट प्लेस में हैं, दिल्ली के दिल में मौजूद हैं और तमाम युवा लगातार ये मैच देख रहे थे, किस रूप में ये चीयर अप कर रहे हैं, किस तरीके से ये खुशियां मना रहे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आपने हमने देखा कि पूरा मैच आपने देखा, बैठ के आप लगातार टकटकी लगा के देख रहे थे, किस तरीके की खुशी मना रहे हैं आप? मेरे को पूरा भरोसा विराट कोहली पे, एंड आज मेरा बर्थडे भी था तो मैं बहुत ही उम्मीद के साथ देख रहा था ये मैच कि इंडिया जीते और सही में मतलब मेरे फेवरेट प्लेयर ने आज मेरा दिन मना दिया। हाँ, और मैं ये विराट कोहली के ड्रेसेस पहनता हूँ, उनके रॉन्ग कंपनी के ही पहनता हूँ, तो आज काफी अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया, आप इनके साथ मौजूद है, बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया, किस तरीके से चीयर अप करने वाले हैं? चेयर अप तो वी विल जस्ट ईट समथिंग गुड, उसके बाद तो और क्या ही है, उसके बाद तो अच्छे से ही करेंगे, रात भर पूरी रात अभी तो सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी होगी। आप बताइए, आप भी पूरा मैच देख रहे थे, पूरे हमने देखा टकटकी लगा के देख रहे थे, किस तरीके से चेयर अप करने जा रहे हैं आप? चेयर अप तो हो चुका है और पटाखे वटाखे तो जलाने नहीं है, दिल्ली में ऐसे ही पॉल्यूशन चल रहा है, तो जाके कुछ अच्छा खाएंगे और रूम पे बैठ के पार्टी वगैरह करेंगे। कौन हीरो है आज के मैच का? विराट कोहली। लेकिन चौका किसने मारा? चौका से नहीं होता है ना, पूरा मैच लेके आया नीचे से उठा के, इतना ज्यादा रन चाहिए था 3-4 ओवर में, तो लास्ट में काफी अच्छा खेला, बाउंड्री वाउंड्री लगाया, तो मेरे हिसाब से विराट कोहली हीरो है। यानी दिल्ली का दिल जीत लिया, दिल्ली के हीरो ने, दिल्ली के जादूगर ने पूरे मैच को जीता दिया, क्या कहा जाए? बहुत बढ़िया, एकदम मजा आया। इंडिया का दिल जीता है, मेरा ही कहना है, और हमेशा जीतता आया है और जीतेगा भी आगे। अच्छा, उसके हम हेटर्स को ही कहना चाहेंगे कि उसको हेट नहीं करना, प्यार करना। दिवाली के दिन बड़ा गिफ्ट देशवासियों को दिया है टीम इंडिया ने, विराट कोहली ने, किस तरीके से देखते हैं? अच्छी तरह देखते हैं जीत गए, खुशी हो, क्या कहें। हाँ, बहुत खुश हैं आप भी आगे आइए। मैंने देखा कि जब इंडिया एक रन से पीछे थी उस वक्त आप एकदम परेशान दिखाई दे रहे थे, अब कैसा लग रहा है? अब तो काफी अच्छा लग रहा है कि विराट कोहली मैच को काफी ज्यादा मतलब सिचुएशन था जाके ऐसा लग रहा था कि अब पाकिस्तान जीत जाएगी, उस सिचुएशन से कोप अप करके कैसे विराट कोहली उस चीज को अपनी टीम को लिखाया, पूरी इंडिया को जिताया और इंडिया का बड़ा प्लेयर है, 4 साल से